આણંદ જિલ્લામાં મહિલા સંવાદ કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રી સ્મૃતિ ઈરાની ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ભાજપ સરકારમાં મહિલાઓને કઈ રીતે યોજનાઓનો લાભ મળે છે અને મહિલા સુરક્ષા અને મહિલા ઉત્થાન માટે કઈ કઈ યોજનાઓ અને કામો થાય છે તેની માહિતી આપી હતી. તેમના વિશે આજ સંવાદ કાર્યક્રમ દરમિયાન એક મહિલાએ પટેલ સમાજને ગેસના બાટલામાં સબસિડી ન મળવાની, સ્કોલરશીપ ન મળવાની વાત કરી તો સ્મૃતિ ઈરાનીએ કહ્યું કે તમારી માતા ઉમિયાએ તમને આશીર્વાદ આપ્યા છે, તે ગરીબો માટે છે. મહિલાઓએ કહ્યું કે દરેક પટેલ શ્રીમંત નથી, કેટલાક અમારા જેવા છે જેમને 3 બાળકો છે, ઘર ચલાવવું મુશ્કેલ છે. ત્યારે એ જ સ્મૃતિ ઈરાનીએ કહ્યું કે તમે ચૂંટણી પછી આણંદના સાંસદ મિતેશ પટેલનો સંપર્ક કરશો, અમે તેમનાથી જે થશે તે કરીશું. તેથી મહિલાઓ પણ ખુશ થઈ ગઈ અને સ્મૃતિ ઈરાનીનો આભાર માન્યો. આ જ કોલેજમાં ભણતી વિદ્યાર્થીનીઓએ પણ મહિલા સુરક્ષા અને મહિલા સશક્તિકરણ વિશે પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા, તેના જવાબો ખૂબ જ નિખાલસતા આપ્યા હતા. જનતા જનાર્દન ઐતિહાસિક માર્જિન કે સાથ ગુજરાત કી પુણ્ય ધરતી પર ઉન્હે જીત કો સુનિશ્ચિત કરના હૈ કે પથ પર ગુજરાત અગ્રસર હૈ. અચ્છી શિક્ષા કી દ્રષ્ટિ સે ગુજરાત અગ્રસર હૈ, વ્યવસાય ઓર સુરક્ષા કી દ્રષ્ટિ સે અગ્રસર ગુજરાત. એક બાર ફિર ભારતીય જનતા પાર્ટી કે કાર્યકર્તાઓં કો નેતાઓં કો સેવા કા મોકા દેગા. આજ યહી વિનંતી કરને સબકે મધ્ય મેં આનંદ આયે. આનંદ જિલ્લા મહિલા મોરચા પ્રમુખ શ્રીમતી દીપિકાબેન પટેલ ને ગુજરાત મહિલા આવ્યા છે એમના માટે હું હૃદયથી તમારા સહયોગ કે લીધે પીએમ દિશા નામ કે કાર્યક્રમ કો ચલાય જિસમે ડિજિટલ લિટરસી મહિલાઓ કો મિલ બિલકુલ નહીં. हम सभी भाग्यशाली हैं कि हम अच्छे स्कूलों और महाविद्यालय में जा सकते हैं, लेकिन कुछ गांव और क्षेत्र ऐसे हैं जहां अभी भी शिक्षा का स्तर कम है. ऐसे में सभी लोग आकर ये बोलते हैं कि हमारा शिक्षा मॉडल अच्छा है, तो हम किसका शिक्षा मॉडल बेहतर माने. हमारे राष्ट्र में 30 साल पहले शिक्षा नीति बनी थी, उसके बाद शिक्षा नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया. मेरा सौभाग्य था कि मैं नरेंद्र भाई के आशीर्वाद से शिक्षा मंत्री बनी और हमने पहली बार शिक्षा नीति ग्रास रूट में जाकर बनाना शुरू की. उससे पहले देश में जब भी शिक्षा नीति बनती तो कुछ अफसर और दिल्ली के 2-3 लोग बैठकर पूरी की पूरी नीति बना डालते. नरेंद्र भाई का मार्गदर्शन ये था कि हमारे देश में हर गाँव तक, हर जिले तक, हर शैक्षिक संस्थान तक पहुंचो और जनता से, नौजवानों से जानो कि किस प्रकार की शिक्षा की जरूरत है. फंक्शनली आज जो शिक्षा नीति बनी है, राष्ट्र के इतिहास में पहली बार उसमें एक जेंडर इंक्लूजन फंड बना है, मतलब महिलाओं को और विशेषतर बेटियों को शिक्षा प्रदान करने का भारत सरकार ने राष्ट्र के इतिहास में नरेंद्र भाई के मार्गदर्शन में पहली बार कोई फंड बनाया है. शिक्षा की सबसे पहली दरकार ये कि आप प्रांतीय भाषाओं को स्वाहा ना कर दें अंग्रेजी के होम में, और इसीलिए पहली बार शिक्षा नीति में ये भी अब इंगित है कि अगर किसी छात्र को अपने प्रांत की भाषा में पढ़ना है तो उसको उसके प्रांत की भाषा में शिक्षा पाने का अधिकार भी मिले. हम जब इंटरनेशनली कंपेटिटिवनेस की बात करते हैं शिक्षा में, तो ये आज साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि मैथमेटिक्स
अगर बच्चा या बच्ची अपनी मातृभाषा में समझे या साइंटिफिक टेम्परमेंट अगर मातृभाषा में विकसित करते हैं तो वो सारे के सारे फॉर्मुलेशन उस बालक को या उस बच्ची को जीवन भर याद रहते हैं। तो भाषा का एक बहुत बड़ा योगदान शिक्षा की दृष्टि से ये भी है। दूसरा सबसे बड़ी चुनौती है टीचर्स ट्रेनिंग और क्वालिटी टीचिंग। इस पर भी भारत सरकार ने नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के माध्यम से देश भर के टीचर ट्रेनिंग प्रोसेस को सुदृढ़ करने का काम किया है। और कोई पण दीकरी ने कई पूछ्यू होय, कोई पण बहन ने कई कहू होय, आप सभी हमें माइक पहुंचाई देशो, आप अपनी परिचय आप लोग आप लोग सर को नमस्ते मैडम। हूँ आनंद नाना साहेब माथी आऊ। મારો પ્રશ્ન એ છે કે હું એક આત્મનિર્ભર સ્ત્રી બનવા માંગુ છું, તો મારે મારો भारत सरकार में कई ऐसे विषय हैं जिसमें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के बहुत सारे आपके पास स्कीम्स हैं। राष्ट्रीय इतिहास में पहली बार एक मुख्यमंत्री ने महिला की आर्थिक क्षमता को समझते हुए सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से रिवॉल्विंग फंड को एक सुचारू रूप से देते हुए महिलाओं को एक प्रदेश में आर्थिक स्वावलंबन की दृष्टि में और भी सुदृढ़ किया। वो प्रदेश है गुजरात और मुख्यमंत्री का नाम नरेंद्र भाई मोदी और स्कीम का नाम मिशन मंगल है। कहते हैं कि जहां से नींव पड़ती है वहीं से वृक्ष जो उगता है वो बिल्कुल विशाल होता है, विराट होता है, और वृक्ष की टहनी ऐसी होती है कि वो पूरे संसार को फिर छांव देने के लायक बनता है। तो प्रदेश से शुरुआत हुई मिशन मंगल, आज राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र भाई जी बड़ा प्रधान बन गए हैं, तो अब देश में लगभग 70 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, 5 लाख करोड़ का रिवॉल्विंग फंड और क्रेडिट का सहायता भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे चुकी है। तो पहले तो आप पे निर्भर करता है, आप अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से काम करना चाहते हैं तो अब आपके पास क्रेडिट की सहायता 20 लाख रुपए तक की उपलब्ध है। अगर आप स्वयं कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, सेल्फ एंटरप्राइज में आपकी रुचि है, तो आपके पास मुद्रा योजना है जो 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख तक की राशि आपको देती है और उसमें कोई भी कोलैटरल कोई भी चीज गिरवी रखनी नहीं पड़ती। फिर आपके पास स्टैंड अप इंडिया तक एक स्कीम है जो 1 करोड़ तक का आर्थिक जो सहाय है वो आपको दे सकती है। अब ये दोनों स्कीम जब शुरू हुई थी राष्ट्रीय स्तर पर तो कहीं भी ये नहीं कहा गया था कि सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए, लेकिन देश की महिला का ये गौरव है और देश की महिला की ये प्रतिभा है कि 70% लाभार्थी मुद्रा योजना में देश की महिला बनी और स्टैंड अप इंडिया इसमें 1 करोड़ तक की आर्थिक सहाय, उसमें 80% लाभार्थी महिला है। मेरा ये मानना है तुम तो गुजरात की बेटी हो, तो तुम स्टैंड अप हो, स्टार्टअप हो, मुद्रा हो या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, तुम्हारे पास कई ऐसी विशिष्ट स्कीम्स है भारत सरकार की, क्योंकि तुमने स्वयं भारत सरकार की बात की, जिसके अंतर्गत तुम्हें क्रेडिट सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन व्यवसाय करने का ही डिजिटल जमाना है। हमने आगे से जाए नरेंद्र भाई डिजिटल इंडिया की बात करी थी, जारे कांग्रेस ना लोगों ने कही तो कह रहे डिजिटल इंडिया सोच रहे आज इसमें काम करवाना कोई यूपीआई यूपीआई कोई नहीं आता करवा यार।